दोस्तों मार्केट में जब से महिंद्रा की वीरो पिकअप लॉन्च हुई है तो मार्केट में एक चर्चा का विषय ये बन चुकी है, क्योंकि दोस्तों महिंद्रा ने पहली बार ऐसी पिकअप मार्केट में लॉन्च कर दी है जिसमें ऐसे ऐसे फीचर्स, ऐसे ऐसी आपको नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है जो अभी तक पिकअप्स में नहीं आती थी। जैसे आपको एयरबैग देखने को मिल रहा है, आपको टच वाला स्क्रीन देखने को मिल जा रहा है, रियर साइड में कैमरा देखने को मिल जा रहा है, कैबिन बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है, और भी बहुत कुछ इस पिकअप में है। तो आज मैं इस महिंद्रा की नई लॉन्च हुई पिकअप वीरो पिकअप को कंपेयर करने वाला हूँ टाटा मोटर्स की एग्जिस्टिंग मार्केट में ऑलरेडी ये बिकती है, और टाटा की इंट्रा की वी सीरीज की ये सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा पेलोड ले जाने वाली पिकअप है। दोस्तों इसका नाम है टाटा इंट्रा V70। तो आज का वीडियो होने वाला है टाटा इंट्रा V70 वर्सेज महिंद्रा वीरो पिकअप। वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड सबसे पहले आपके लिए वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके इंजन के बारे में। यहाँ पर टाटा इंट्रा V70 में आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला BS6 डीजल इंजन देखने को मिलेगा। वहीं जो महिंद्रा की वीरो पिकअप नई लॉन्च हुई पिकअप है, इसमें आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर वाला BS6 डीजल इंजन देखने को मिलेगा। तो महिंद्रा में आपको यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेंडर्स कम मिलेंगे और टाटा मोटर्स में नंबर ऑफ सिलेंडर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें दोनों पिकअप ट्रक्स की यहाँ पर पावर के बारे में, तो पावर में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लगभग लगभग आपको एक जैसी पावर दोनों पिकअप ट्रक्स में देखने को मिलेगी। अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क में भी आपको माइनर सा अंतर देखने को मिलेगा। टाटा इंट्रा V70 में आपको 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और यहाँ पर वीरो पिकअप में आपको 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है। दोस्तों गेयरबॉक्स के मामले में दोनों ही पिकअप ट्रक्स में आपको 5 स्पीड वाला गेयरबॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें 5 फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ जाने वाले और एक रिवर्स यानी कि पीछे की तरफ जाने वाला गियर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको गियर्स की शिफ्टिंग केबल के थ्रू होती है, जिसके कारण ड्राइवर को बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। अगर हम बात करें कैबिन के बारे में, तो यहाँ पर जो टाटा का इंट्रा V70 पिकअप आता है, इसमें आपको D+1 यानी कि एक ड्राइवर के साथ एक को ड्राइवर के बैठने की व्यवस्था देखने को मिलती है। वहीं जो महिंद्रा का वीरो पिकअप आता है, इसमें आपको D+2 यानी कि एक ड्राइवर के साथ दो पैसेंजर्स की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कैबिन में, यहाँ पर सीटिंग में आपको दोनों गाड़ियों में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोस्तों स्टीयरिंग सिस्टम की बात करूं तो स्टीयरिंग सिस्टम में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों पिकअप ट्रक्स में आपको पावर स्टीयरिंग सिस्टम लगा के दिया जाता है, जिसके कारण जो चलाने वाले के लिए गाड़ी की जो चलाने के लिए बहुत आसान रहता है, और चलाने वाले ड्राइवर को गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी थकान का सामना नहीं करना पड़ता। अगर मैं बात करूं दोनों के सस्पेंशन के बारे में, तो टाटा इंट्रा V70 में आपको फ्रंट साइड में पैराबोलिक लीप्स वाला सस्पेंशन देखने को मिलता है। वहीं महिंद्रा की जो वीरो पिकअप आती है, इसमें फ्रंट साइड में आपको लीप स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है। दोनों पिकअप ट्रक्स में फ्रंट साइड में आपको हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग शॉक अब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे, जिनसे लीप स्प्रिंग का प्रोटेक्शन तो बढ़ जाता है और सस्पेंशन और राइड कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं रियर यानी कि पीछे की साइड की सस्पेंशन की, तो टाटा इंट्रा V70 में पीछे की तरफ आपको सेमी इलेप्टिक लीप्स वाला सस्पेंशन देखने को मिलता है। वहीं महिंद्रा की वीरो पिकअप में आपको पीछे की तरफ लीप स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है। यहाँ पीछे की तरफ भी आपको हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग शॉक अब्जॉर्बर्स दोनों पिकअप ट्रक्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं लोडिंग कैपेसिटी के बारे में, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रॉस व्हीकल वेट यानी GVW। तो यहाँ पर टाटा इंट्रा V70 की जो GVW कैपेसिटी रहती है, ये रहती है 3.2 टन के करीब यानी कि 3210 केजी के करीब। वहीं महिंद्रा की वीरो जो पिकअप आती है, इसकी ग्रॉस व्हीकल वेट कैपेसिटी रहती है 3170 केजी यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 3.2 टन के करीब आपको देखने को मिलेगी। अगर पेलोड कैपेसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। टाटा के इंट्रा V70 का पेलोड कैपेसिटी आपको 1700 केजी यानी कि 1.7 टन देखने को मिलता है। वहीं महिंद्रा की वीरो पिकअप का जो पेलोड कैपेसिटी रहता है, ये आपको 1600 केजी यानी कि 1.6 टन देखने को मिलता है। तो टाटा के इंट्रा V70 में आप 100 केजी का ज़्यादा पेलोड लेके जा सकते हैं। अगर बात करें दोनों के टायर्स के बारे में, तो टाटा इंट्रा V70 में आपको 215x75 R15 के टायर्स देखने को मिलेंगे। वहीं महिंद्रा की वीरो पिकअप में आपको 195 R15 के टायर्स देखने को मिलेंगे। तो दोनों पिकअप ट्रक्स का जो टायर्स का साइज है, वो सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड में आपको दो टायर, रियर साइड में आपको दो टायर और एक स्पेयर टायर आपको दोनों पिकअप ट्रक्स में देखने को मिलेगा। दोस्तों फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर हम बात करें, तो टाटा के इंट्रा V70 में आपको 35 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। वहीं जो महिंद्रा के वीरो पिकअप नई लॉन्च हुई पिकअप है, इसमें आपको 40 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक महिंद्रा की तरफ से लगा के दिया जाता है। फ्यूल टैंक में भी आपको थोड़ा सा माइनर डिफरेंस दोनों पिकअप ट्रक्स में देखने को मिलेगा। अगर बात करें ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो दोनों ही पिकअप ट्रक्स आपको हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम के
माध्यम से यहाँ मिलेंगी, और यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही सेफ और एक्यूरेट ब्रेकिंग सिस्टम दोनों पिकअप ट्रक्स में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों लोड बॉडी की साइज़ की बात करूं तो टाटा इंट्रा V70 की लोड बॉडी की जो लेंथ रहती है 9.7 फीट और चौड़ाई लगभग 5.7 फीट के करीब रहती है। महिंद्रा की वीरो पिकअप की लेंथ लगभग 10 फीट के करीब और चौड़ाई आपको लगभग 6 फीट के करीब देखने को मिलेगी। दोनों पिकअप ट्रक्स की लोड बॉडी की जो साइज है लगभग लगभग सिमिलर है, आपको एक जैसी साइज की लोड बॉडी लगभग लगभग आपको दोनों पिकअप ट्रक्स में देखने को मिलेगी। फाइनली बात करते हैं दोनों पिकअप ट्रक्स की स्पीड के बारे में। तो दोनों ही पिकअप ट्रक्स यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से दौड़ सकती हैं, तो स्पीड में आपको कोई डिफरेंस दोनों पिकअप ट्रक्स में देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात किया जाए दोनों पिकअप ट्रक्स के माइलेज के बारे में तो टाटा इंट्रा V70 में आपको 13 से 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल सकता है। माइलेज की इन्फॉर्मेशन आपको हम बेस्ड ऑन इंटरनेट रिसर्च पिकअप का बता रहे हैं। और महिंद्रा की जो वीरो पिकअप है इसमें कंपनी का कहना है कि इसमें आपको 18.4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल सकता है। दोस्तों दोनों पिकअप ट्रक्स का माइलेज का इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन इंटरनेट रिसर्च आपको हम बता रहे हैं। अगर आपको एग्जैक्ट माइलेज जानना है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कंपनी की नियरेस्ट शोरूम में आप एक बार विजिट करके जरूर पता कीजिए, क्योंकि माइलेज बहुत सारी सिचुएशंस कंडीशंस, ड्राइवर के बिहेवियर, ड्राइवर की ट्रेनिंग और रोड कंडीशन, इसके अलावा गाड़ी का मेंटेनेंस, बहुत सारे और एस्पेक्ट भी रहते हैं, तो माइलेज कम ज़्यादा हो सकता है। फाइनली दोनों पिकअप ट्रक्स के प्राइस के बारे में बात करूं तो टाटा की इंट्रा V70 पिकअप स्टार्ट होती है 9.83 लाख रुपीज के एक्स शोरूम प्राइस से। वहीं जो महिंद्रा की वीरो पिकअप आती है ये स्टार्ट होती है 7.99 लाख रुपीज के एक्स शोरूम प्राइस से। दोनों पिकअप ट्रक्स का आपको हम जो प्राइस बता रहे हैं एक्स शोरूम प्राइस बेस्ड ऑन इंटरनेट रिसर्च बता रहे हैं। एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे नियरेस्ट टाटा मोटर्स की डीलरशिप में और नियरेस्ट महिंद्रा की डीलरशिप में एक बार विजिट करके आप जरूर दोनों पिकअप ट्रक्स का प्राइस चेक कीजिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।